ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा. और जो स्टूडेंट्स आते जाएंगे मैं उनको एडमिट करती जाऊंगी साथ के साथ. नाउ वी डिस्कस टुडे, टॉपिक इज योर मीडियन. लास्ट हमने किया था मीन, अर्थमैटिक मीन, मीन क्या होता है. देन मीडियन, जिसे हिंदी में आप बोलते हो मध्य का, क्या होता है मीडियन. मीडियन क्या दिखाता है, जब कोई भी आपको जो वैल्यूज दे रखी हो, जब हम उसको इक्वल टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें बेटा, तो दैट इज अ मीडियन. अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग व्यू दिए हैं. बेसिकली जो मीनिंग है मीडियन का, मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, इट मीन्स मीडियन जो है, मध्य का जो है, क्या है, घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित श्रेणी के मध्य मूल्य से, मध्य मूल्य को कहा जाता है, कह सकते हो. ठीक है, अलग ऑथर्स ने इसके व्यू भी दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रोफेसर कॉर्नर ने कहा है, मध्य का किसी श्रेणी का वह मूल्य है, यानी वो वैल्यू है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में इस प्रकार से बांटता है कि एक भाग के सारे मूल्य, यानी सारी वो वैल्यूज मध्य का से अधिक हो, ज्यादा हो, और दूसरे भाग में सारी वैल्यूज मूल्य उससे कम हो. इट मीन्स मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट कंपेयरिंग ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन and all other values less than the median. ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है आपको मीडियन क्या है. इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो मीडियन जो है, इसके थ्रू जो भी आपको श्रेणी यानी वैल्यू शॉर्ट आउट कर रखी है, वो इक्वल टू पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हम इसको कैपिटल M के द्वारा शो आउट करते हैं. ठीक है, दैट इज अ मीडियन. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Then, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है मीडियन को? Okay? कि कैलकुलेट आप कैसे करोगे मीडियन को? तो उसमें आता है, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए बेटा फिर से वही सीरीज है मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे आपने मीन को किया था. इसको भी हम थ्री पार्ट्स में स्टडी आउट करते हैं. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज. ओके, इन तीनों पार्ट्स में हम इसको डिस्कस आउट करते हैं. जैसे अर्थमैटिक मीन में उसके दो दो मैथड्स थे, किसी के तीन मैथड्स थे. यहाँ पे जब आप फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज उठाते हो, इसमें कोई अलग अलग पार्ट्स नहीं है, सिर्फ एक एक है इनके, कि ये दिस इज अ इंडिविजुअल सीरीज, दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज एंड दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज. तो हम फर्स्ट वन उठाते हैं, ये आपका मीन से भी इजी है बेटा ये पार्ट. ठीक है, आपको शो आउट हो रहा है स्क्रीन बेटा? जस्ट अ मिनट, मैं इसको आगे आपको शॉर्ट आउट करती हूँ. जैसे बेटा इसमें शॉर्ट आउट किया गया है फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज. अब इंडिविजुअल सीरीज आपको पता है बेटा, जब आपको ओनली किसी चीज की वैल्यूज या किसी चीज के सिर्फ आपको डाटा शॉर्ट आउट किए जाएं, केवल वही दिए जाएं, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी ना दी जाए, तो दैट इज अ इंडिविजुअल सीरीज. ओके, और इस इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि ये हम मीडियन कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, इसको इवन या ऑड दोनों मेथड से कर सकते हो. इट मींस जो आपको डाटा दिए जाएंगे, उन डाटा को या तो आप बढ़ते क्रम में लिखो या उनको घटते क्रम में. इवन और ऑड समझते हो ना, या तो आप करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या आप रिवर्स करो इसको 10 9 8 7 6. ठीक है, दैट इज द इवन और ऑड नंबर्स, मतलब इवन और ऑड के अकॉर्डिंग आप इनको
कर सकते हो सीरीज के अकॉर्डिंग। अब हम आ जाते हैं इसके मेन फॉर्मूले पे। फॉर्मूला है एम, एम शॉर्ट आउट करता है मीडियन को, इज इक्वल टू साइज ऑफ, ये पूरा फॉर्मूला लिखने का पैटर्न है। कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, एम इज इक्वल टू एन प्लस में वन बाय में टू शॉर्ट आउट कर देते हैं, तो वो फॉर्मूला गलत हो जाता है। आपको इसमें ये लिखना है पर्टिकुलर साइज ऑफ ब्रैकेट एन प्लस में वन डिवाइडेड बाय टू इंटू में टीथ आइटम। ओके, अब ये क्यों लिखा जाता है, जब ये कैलकुलेट करेंगे तब आपको शॉर्ट आउट हो जाएगा कि इसको ऐसा क्यों लिखा जाता है। अब हम कोई भी एक सीरीज उठा लेते हैं, चाहे आप ओड मेथड से ओड सीरीज ले लो चाहे इवन सीरीज। इसमें भी आपको, क्योंकि ये इंडिविजुअल मेथड है, तो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। शॉर्ट आउट हो रहे हैं सबको? क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो रहा है। फर्स्ट कहा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपको दिए गए हैं 22, 16, 18, 13, 15, 19, 17, 20 एंड 23। ये आपको यहाँ पे डाटा दिए गए हैं। अगर आप ओड नंबर सीरीज से कर रहे हो तो इनको ओड के अकॉर्डिंग अरेंज करो, ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में करो। अगर इवन से कर रहे हो तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करो। देखिए अब हम इनको अरेंज करेंगे डाटास को। जैसे 13 दिख रहा है, मैं आपको, मैंने ये सारे डाटा दिए, इन डाटा को आपको अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। और जैसे हम मीन में इनको सीरियल नंबर दे देते थे बेटा, वैसे ही हम यहाँ पे भी इनको सीरियल नंबर दे देंगे। तो टोटल नंबर 1, 2, 3, 4 शॉर्ट आउट हो रहे हैं, ऐसे 9 तक दे रखे हैं, और हमने गिवन डाटा को यहाँ पे शॉर्ट आउट कर लिया। 13, 13 से बड़ा 15, देन 16, देन 17, देन 18, 19, 20 एंड 22। इज इट क्लियर? मैम, देन बेटा अब आपने यहाँ पे क्या करना है, हम इन गिवन डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज करते हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पे इनका यूज बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मेट है इसलिए हमें इनको करना होता है। यूज किसका होगा आपका, यहाँ पे किसका यूज होगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का। एन यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, बिकॉज दिस इज अ इंडिविजुअल सीरीज, आई रिपीट अगेन, तो हम यहाँ पे एन को शॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। एन कितना है, सीरियल नंबर शॉर्ट आउट हो रहा है, 9 तक है, तो एन इक्वल टू 9। फॉर्मूले में पुटिंग करोगे 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ हमने एन की वैल्यू यहाँ पे पुट की है बेटा। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, एन की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 9 प्लस 1 10 बाय 2। जस्ट अ मिनट बेटा, 10 बाय 2, ओके, तो क्या आ गया, 5। साइज ऑफ फिफ्थ आइटम, क्लियर है यहां तक? यस मैम। अब ये जो फिफ्थ आइटम है, ये कैसे आप शॉर्ट आउट करोगे, अब आपकी टेबल की नीड होगी। अब आप जाइए टेबल में ऊपर, टेबल में देखिए फिफ्थ नंबर आइटम के आगे जो वैल्यू शॉर्ट आउट होगी दैट इज अ मीडियन। कितना लिखा है, 18, तो 18 यहाँ पे मीडियन होगा। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। इजी है? यस मैम। सिर्फ मैं आई रिपीट अगेन, सिर्फ आपको क्या करना है, टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी देखनी है कितनी है। आपकी चॉइस है बेटा कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, कोई कंपल्सरी नहीं है कि इसी में ही करना है, इज योर चॉइस, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोई भी एक ऑप्ट कर लो, आंसर सेम ही आएगा। वैल्यू एन की पुट कर दो, यहाँ पे कट आउट कर लो जो जाता है, और जो आइटम यहाँ पे आएगा साइज ऑफ दैट आइटम, फिफ्थ आइटम आया है तो फिफ्थ में चेक करोगे, सेवंथ आइटम आया है तो सेवंथ के आगे वैल्यू चेक करोगे कि कितना है, 20 है तो 20 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। इसी प्रोसेस से दूसरा है बेटा, इवन नंबर, इवन सीरीज को दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, कोई इसमें वो नहीं है।
आपकी चॉइस है, इवन या और दोनों में से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये था आपका इंडिविजुअल सीरीज मीडियन का, क्लियर है? यस मैम। ओके बेटा, देन नेक्स्ट है इसमें डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज आपको पता ही है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी और साथ में एक्स की वैल्यू भी दी जाएगी, दोनों चीजें आपको गिवन होंगी। फॉर्मूला आपका बिल्कुल एज इट इज सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ टेबल में जब हम वैल्यूज चेक करेंगे वहां पे चेंज आ जाएगा। फॉर्मूला वही, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 टूथ आइटम, हम इसको ऐसे बोलते हैं। ओके यस मैम। अब हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं बेटा इसके लिए। क्वेश्चन आप देखिए बेटा, क्वेश्चन आपको दे रखा है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। आप यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट कीजिए और आपको इस तरह से डाटा दे दिया जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन गिवन होगा, x की वैल्यू गिवन है और f की वैल्यू गिवन है। ओके यानी f यानी यहाँ पे आपकी क्या है, ये एक तरह के इंडिविजुअल सीरीज में आपको ये गिवन नहीं होते तो हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ओके और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है बिकॉज दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज। x कहता है, x जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 times रिपीट हो रहा है। 12 कितनी टाइम हो रहा है, 5 times रिपीट हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी दिखाती है हाउ मेनी टाइम्स दैट वैल्यू इज रिपीट। ओके तो फर्स्ट चीज क्या करोगे, इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। n कितना आया, 59। आपने इसका सारे का टोटल कर लिया 59। अब क्योंकि यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इसमें आपका एक नेक्स्ट कॉलम बनेगा, दैट इज अ CF, कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसीज हम इनको बोलते हैं, इन शॉर्ट में हम इसको CF लिखते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें उसका यूटिलाइजेशन करना है। फर्स्ट वैल्यू 2 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई और वैल्यू होती तो हम उसको इंक्लूड करते, ठीक है। इसलिए फर्स्ट वैल्यू हमेशा सी एफ की और एफ की सेम आती है। देन नेक्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट आउट भी कर रखा है, पेन से राइट डाउन कर रखा है, 7 आई। कैसे आई, 2 ऊपर वाला 2 सी एफ वाला 2 प्लस में 5 7। इज इट क्लियर? यस मैम। देन 7 प्लस में इधर जो वैल्यू होगी, इस तरह से टेढ़ा चलेगा इनका क्रॉस एरो, 7 प्लस में 12, सामने वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करते जाते हैं हम। 7 प्लस में 12 19, फिर 19 प्लस में इधर क्या है 20 39, देन 39 प्लस में 10 49, 49 प्लस में 7 इधर 56, देन 56 प्लस में 3 59। इज इट क्लियर? CF कैसे निकलेगा? यस मैम। ओके, इस तरह से आपने CF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये मैंने आपको शॉर्ट आउट करके दे रही हूं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है साइड वाली वैल्यू, आप डायरेक्ट इनको ऐड करके वैल्यूज लिखते जाओगे। ओके ओके मैम। वैल्यूज को करेंगे बेटा फॉर्मूले में पुट। ओके फॉर्मूले में पुट करेंगे तो m is equal to size of n plus में 1 divided by 2th item, n कितना निकाला हमने 59 plus में 1 divided by 2, तो 60 by में 2 कितना आया, कट गया 30, तो size of 30th item। अब आप इसमें कैसे चेक करोगे 30th item को, पहले वहां पे उसमें चेक कर रहे थे ना f में सीरियल नंबर के जो एक्स की वैल्यूज थी, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये 30th आइटम आप चेक करोगे CF के अंदर। अब आप कहोगे मैम एज इट इज वैल्यू तो मिलना मुश्किल है, कई बार चांस होता है कि एज इट इज वैल्यू भी मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं बेटा इस सिचुएशन में, हम ये देखेंगे कि 30th आइटम यानी या तो वो 30 हो या 30 से ज्यादा हो, उस वैल्यू को आप चेकआउट करोगे CF में। अब देखिए आप बेटा यहाँ पे 30 से ज्यादा क्या है,
39 और 30 से ज्यादा और ये सारी वैल्यूज हैं, लेकिन फर्स्ट वो वैल्यू चेकआउट करो जो 30 या 30 से ज्यादा हो. 30 भी हो सकता है, 31, 2, 3, 4 कुछ भी, लेकिन 30 के बाद सीधा 39 आ रहा है, देन 49 आ रहा है, तो आप 39 दैट इज अ मीडियन, हम इसको मीडियन मान. क्लियर है? यस मैम. तो यहाँ पे शॉर्ट आउट किया 39 आइटम में क्या है, वूल वैल्यू इज 39 जो 30 के नियर अबाउट होती है. ओके, अब 39 में एक्स की वैल्यू चेक आउट करो कितनी आ रही है, 16, तो मीडियन इज अ 60. ठीक है, तो मीडियन की वैल्यू इस तरह से आपकी निकल आएगी. क्या आपको क्लियर है अच्छे से बेटा ये? मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों शॉर्ट आउट की हैं बेटा, कि इंडिविजुअल सीरीज में आप कैसे निकालोगे और डिस्क्रीट सीरीज में आप कैसे निकालोगे. ठीक है, इतना इनफ है आज के लिए, या कॉन्टिन्यूस सीरीज आगे करवाएं? यस बेटा, बहुत है मैम. ठीक है, इतना आज आप ये दो ही पार्ट कीजिए मीडियन के, मीडियन के. ओके, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट. ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास में हम आगे कॉन्टिन्यूस सीरीज और आगे का स्टार्ट करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू. ओके, बाय. ओके मैम.